إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن قير الحديث كتاب الله وقير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فعوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمران لا تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال في موضع آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد میری پیاری ماں بہنوں میں تہہ دل سے آپ السلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ السلام عليكم ورحمة اللہ <applause> وبرکاتہ बिलाशुबा सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं हम उसकी तारीफ करते हैं उससे मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश का सवाल करते हैं और हम अपने नफ्सों के शर और अपनी बदामियों से अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं जिसे अल्लाह रा दिखा दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अपने परिगार ने धुतकार दिया हो उसकी कोई रहनुमाई नहीं कर सकता और हम गवाही देते हैं कि माऊद बरहक सिर्फ अल्लाह है वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देती हूँ हम सब गवाही देते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं है सलात के बाद यकीन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह ताला की किताब है और तमाम तरीकों से बेहतर तरीका मोहम्मद सलाम नाजिल हो अल्लाह के भेजे गए सभी अम्बिया कराम पर बिलखसूस अपने اخر النبي محمد صلى الله عليه وسلم پر میں درود اپ بھی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد जैसा कि आप सब जानते हैं आज मैं आप सबों के सामने जिस जिस عنوان की तहत जो عنوان लेकर आई हूं वो है शब बेरात हकीकत के आईने में इसकी हकीकत क्या है हमने क्या इजाद किया है क्या अल्लाह ने जो शरीयत को मोहम्मद वसल्लम पर नाजिल किया क्या वो शरीयत मुकम्मल नहीं थी या मुनज़्ज़म नहीं थी या उसमें कोई कमी बेशी रह गई थी इसकी हकीकत क्या है इनशल हम जानने की कोशिश करेंगे سب سے پہلے رب العزت سے دعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم اني أسألك لاخلاص في القول والعمل آمين دیکھی سورہ مائدہ کی شروع کی ایت میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں جو میں نے خطبہ مسنونہ میں اپ کے سامنے تلاوت کی اليوم یوم لكم لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورديت لکم الاسلام دینا کیا فرمایا اللہ تعالی نے کہ میں نے اج کے دن فتح مکہ کی بات ہے तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया मुकम्मल अतम यानी मुकम्मल तमाम कर दिया और मेरी नियामत को तुम पर तमाम कर दिया अतम तुकुम नियमति मेरी नियामत को तुम पर तमाम कर दिया व रदी इस्लाम दीना और मैं राजी हो गया इस्लाम के दीन होने पर ये ये आयत आप याद रखिए इनशाला मैं बीच में आपको इसकी याद दिना दिहानी कराऊंगी और इसके बाद मैं खुद मैं मसनूना में दो अहदीस की मैंने आपके दो हद, दो अहदीस आपके सामने रखी एक

दूसरी मेरी बात यानी हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक तुम इन दो चीजों को मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह ना होगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है जो मैंने आपके सामने पेश की अलियाओ सॉरी तरक्तु फीकुम अम्रैन ला तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि वसुन्नह फिर उसके बाद जो हदीस मैंने आपके सामने रखी वो थी मन जो कोई शख्स कोई ऐसा अमल करेगा जिस पर मेरा कल और अमल नहीं है जिसकी मैंने करने को नहीं कहा जिसको करने के लिए मैंने नहीं कहा और ना ही मैंने वो अमल किया तो वो अमल मरदूद है चाहे वो ने कमल क्यों ना हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और आपकी बात नहीं है मेरी माँ और बहनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आपके सामने मैंने रखी इंशाल्लाह इन दो हदीस और उस कुरान की आयत के तहत आज का हमारा दर्श जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ज़हन और दिल को खोल दे हमें बिदआत और खुराफात से दूर रखे हमने जो भी नेकियां करनी है सही तरीके से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हो उस तरीकेकार को करने की हमें तौफीक बख्शे आमीन अब रही बात शादी बरात जो पंद्रहवीं शाबान को मनाया जाता है जो कि अल्लाह के दिए गए बारह महीनों में से आठवां महीना जिसे शबे शाबान कहा जाता है शाबान की पंद्रहवी शब और पंद्रहवी रात चौदहवी पंद्रहवी रात और पंद्रहवी दिन तो शब बारात के नाम पर मुसलमानों ने बहुत सी बिदात पर अमल करना शुरू कर दिया है और उन बिदात को सवाब की नीयत से बुलंद किया बुलंद किया परवान चढ़ाते गए शाबान की पंद्रहवी रात के बारे में कोई सही रिवायत फजीलत में मौजूद नहीं है जिसे शब बारात का नाम दिया जाता है बाज लोग सुरह दुकान की इब्तदाई आयत शब बारात के बारे में बताते हैं उसकी ये हकीकत है ही नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह दुकान की इब्तिदा में जो फरमाया है बेशक हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल किया क्योंकि हम लोगों को डराने वाले है वो रात है जिसमें हर मामला का हर मामले का क्या होता है हकीमाना फैसला किया जाता है इस आयत में जो मुबारक उससे मुराद कद्र है ना के शबरात है इसकी तफसीर खुद अल्लाह तबारक व कुरान हकीम में कर दी है क्या हफी कद्र أحنا قرآن کو نازل كيا ليلة القدر مه. فر. سورة دكان مه. جيس رات کو مبارك قرار ديا هى ليلة القدر سورة القدر مه. ليلة القدر فرمايا ه. رمضان المبارك كي باره مه. بيقى كشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن फील कर्न क्या ने कि के रमदान ये जो रमदान का महीना है उसमें हमने क्या किया कुरान को नाजिल किया तो ये दो आयतें जो कि इन्ना अनजीकद्र फी शाहरमदानजिल फील कुर ये दो आयतें उस आयत की तस्ह करती हैं जो कि की आयत है जिसमें क्या फरमाया ने, तब मुबारक रात जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया इसकी गलत तफसीर करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है यानी कुरानी आयत से वाज़े हो जाता है कि कुरान का नजूल रमदान के महीने में हुआ और उस महीने की बाबरकत और कदर वाली रात में जिन लोगों ने ललित्र को शाबान की नफ्स यानी आदि शाबान की रात करार दिया है उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है इसके लिए तफसीर में भी देख सकते हैं इसके बहुत ज्यादा रेफरेंसेस मिल जाएंगे बहुत सारे ताबाइन सब ने फलाफ ने सबों ने क्या कहा वैली का कुल्लू बिदा ये सारे अहमाल जो ये करते हैं वो बिदात है यानी दीन में नहीं काम है अब रही बात क्या हम क्या हम भी इस धोखे में तो नहीं है बिन सैदी बयान करते हैं कि रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मैं हौजर पर तुम लोगों से पहले मौजूद रहूंगा जो शख्स एक हदीस मैं आपके सामने रख रही हूँ पहले फिर हम उसके बाद हम अपने आप को इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे फौज कौसर पर तुमसे पहले मौजूद रहूंगा जो शख्स मेरे पास से गुजरेगा वो उससे पिएगा और जो शख्स भी पिएगा फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा क्यामत के दिन मुझ पर लोग पेश होंगे जिन्हें मैं पहचानता हूँ और वो मुझे पहचानते होंगे लेकिन मेरे और उनके दरमियान कोई चीज हायल कर दी जाएगी मैं कहूंगा ए अल्लाह ये मेरे उम्मती है चुनाचे मुझसे कहा जाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मुझसे कहा जाएगा आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या बिदातें एजाद की क्या क्या बिदातें एजाद की रसू वसल्लम ने फरमाया कि ये सुनकर ये सुनकर मैं कहूंगा उस वक्त अल्लाह के नबी वसल्लम फरमा रहे हैं। उनको मुझसे दूर कर दो ये मुझसे दूर हो जाए जिन्होंने मेरे दीन में तब्दीली की है अब बताएं क्या मैं और आप इस विदार्थ पर इस नेक अमल पर जिसे हम हर्ज क्या है सोच कर किया करते हैं जो आज के दिन आज ही है बारह पंद्रह शबान दिन इबादत समझकर और उस इबादत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हुए रोजा रखते हैं रात की इबादत करते हैं और न जाने इसमें किन किन तरह की बिदात को करते हैं दीन समझकर सुन्नत समझकर सहाबात अमल अब बेकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, अमल समझकर करते हैं पहली चीज तो जो मैंने खुतबाए मसूनना में आपके सामने आयत रखी कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया अल्लाह ताला ने फरमा दिया क्या फरमा दिया सूरह माईदा की आयत में अल यौम आज कौन सा दिन था वो आज का दिन फतेह मक्का का दिन क्या फरमाया मैंने तुम्हारे लिए आज के दिन दीन को मुकम्मल मुकम्मल कर दिया मुकम्मल किसे कहते हैं जिसमें कोई और चीज डालने की जरूरत ना पड़े और अगर ये चीज होती अगर ये चीज होती तो अल्लाह के नबी अल्लाह ताला, सॉरी, अल्लाह ताला उस वक्त अकमल तो नहीं करते नहीं कहते बल्कि कहते कि मुझे और चीजें देनी है तुम्हें और सुन्नतें हैं थोड़ी ऐसी जो मुझे अभी देनी है मुकम्मल दीन नहीं कहते जभी मुकम्मल इसे उसे कहा जाता है डिक्शनरी में भी आप देख ले मुकम्मल उस चीज को कहा जाता है जिसमें और कोई चीज डालने की जरूरत ना पड़े इसमें कोई और चीज करने की जरूरत ना पड़े उसको मुकम्मल कहा जाता है तो मेरा और आपका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है वही दीन है और वो मुकम्मल हो चुका उसमें कोई चीज ऐड करने की ना मुझे ना आपको ना किसी और को जरूरत है और अगर किसी ने ये काम किया तो उसने तोहमत लगाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या तो उसने ये तोहमत लगाई कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल नहीं बता दिया नहीं बताया ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम हुआ जब वो ये इल्जाम लगाया तब भी वो काफिर और अगर उसने ये इल्जाम लगाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये चीज नहीं बताई उन्होंने छुपाया जो आज हम कर रहे हैं तब भी वो काफिर ये दो चीजें उस पर निकलती हैं एक कि मैं उस चीज को दीन में ला रहा हूं क्या जो अल्लाह के नबी सल्लम भूल गए थे अब मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला के नबी सल्लम ने दीन को छुपाया ज़ालिक अल्लाह ने अल्लाह के नबी नबीसम ने दीन को छुपाया जो अल्लाह ने शरीयत नाजिल की उसको छुपाया ये इल्जाम हुआ अल्लाह के नबी नबीम पर और जो अल्लाह के नबी नबीम पर इल्जाम लगाएगा कुरान और हदीस की सही तरीके से वो काफिर और दूसरी चीज अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के नबी नबीम भूल गए तब भी वो काफिर पाया या भूल गए ये दोनों चीजों में भी वो काफिर कुफर में चला जाएगा अल्लाह हम सबको इस चीज से महफूज रखें और जो हदीस मैंने आपके सामने रखी एक मिनट जिस पर यानी हौज कौमत का मंजर होगा नफसा नफसी का आलम होगा अपने गुनाहों के तहत लोग पसीने में डूबे हुए होंगे कोई टखनों तक कोई घुटनों तक कोई कमर तक कोई कंधों तक कोई सारा का सारा बदन। उस वक्त अल्लाह के नबी सल कौसर पर बैठे होंगे जो हदीस मैंने आपके सामने अभी रखी पानी की शिद्दत प्यास की शिद्दत ऐसी होगी के लोग परेशान हो जाएंगे उस वक्त हौज कौसर के अलावा कोई और पानी नहीं होगा और ने, ने फरमाया कि मैं सब को पानी पिलाऊंगा और जब वो पानी पी लेगा तो कभी प्यास नहीं होगी उसे कभी प्यास नहीं होगी लेकिन मैं उस शख्स को पानी नहीं पिलाऊंगा जिसने मेरे दिन में मेरे जाने के बाद नई चीजों को इजाद किया हो अब बताइए क्या हम इसमें शामिल है कहीं हम धोखे में तो नहीं इन तमाम मामलात में कहीं हम धोखे में तो नहीं है अफसोसनाक बात यह है कि आज इस्लाम के नाम पर सवाब समझकर जो चीजें हमने ईजाद कर ली हैं क्या उनका किताब सुन्नत से भी कहीं सबूत मिलता है खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फिर उनके सहाबा ने भी कोई ऐसा अमल किया था अगर नहीं तो फिर ऐसी नई बिदात के शुरुआत और उन पर अमल करने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या कल इन विदात पर अमल करके प्यारे नबी वसल्लम के हाथ से कौसर का जाम मिलेगा हमें इन विदात को करने के बाद क्या प्यारे नबी वसल्लम के हाथ से कौसर का जाम मिलेगा हमें और क्या ये प्यारे नबी वसल्लम की बताई हुई तालीमात से इन्हराफ नहीं है क्या हमने मुंह नहीं मोल लिया अल्लाह के नबी वसल्लम की तालीमात से दुनिया में एक मामूल आम हो चुका है एक मोटी बात मैं आपके सामने रखू क्योंकि बताया जाता है पंद्रहवी शाबान की जो शब होती है यानी रात होती है सर शब होती है उसमें गुना माफ कर दिए जाते हैं आप उम्र खजा पढ़ लें आप उसमें ठहर कर इबादत कर लें सौ रकात नमाज पढ़ लें तकदीर लिखी जाती है अगर लोगों से माफी मांग कर फिर अल्लाह के सामने माफी मांगेंगे तो आपके तमाम गुना माफ कर दिए जाते हैं इस तरह के न जाने किया क्या 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 बिदात है क्या क्या नेकमाल को लोगों ने ऐजाद कर लिया है ठीक है तो ये तमाम अमाल अगर मैं और आप कर रहे हैं तो क्या ये दुरुस्त होगा दुरुस्त नहीं होगा क्यों क्योंकि इसका सबूत हमें कुरान और हदीस से ही मिलता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया तुम कोई भी नेक अमल कर लो मना अमिला अमलन ليس عليه امرنا فهو رد तुम कोई भी अमल कर लो अगर उस पर मेरा खौल और अमल नहीं है तो वो अमल مردود है इंसान कितनी भी नमाजें पढ़े कितने भी रोजे रख ले अगर वो मुशरिक है अगर वो बिदाती है दीन में एजाद करने वाला शख्स है तो वो उसका कोई भी नेक अमल काबिल कबूल नहीं है अल्लाह के पास क्योंकि अमल के कबूल होने के लिए दो शर्तों का होना लाजिमन जरूरी है पहली शर्त इखलास जो अल्लाह कालिस होनी चाहिए दूसरी शर्त नबी हुए तरीके पर होना उस अमल का नबी सल के बताए हुए तरीके पर होना ये शर्त है और इन दो शर्तों के बगैर कोई भी नेक अमल काबिल काबुल नहीं है यहाँ तो बात नबी करीम के दीन में नई बात को डालने की है अल्लाह के नबी वम ने इसको किया ही नहीं तो इसका तरीका क्या बताए अफसोस आज के दौर में लोगों ने क्या चीजों को अपना लिया है पता है क्या किया लोगों ने आसानी को अपनाया और असल चीज को छोड़ दिया जैसे अल्लाह ताला कहता है हमेशा दिन में पांच वक्त की नमाज मुसलमान पर फर्ज है हर किसी को चाहिए कि वो पांच वक्त नमाज पढ़े और अपने आप को गुनाहों से रोके रखे निबत्तों चुगलियों से हर एक चीज से रोके रखे लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं ये जो पेट भरू मुल्ला है उन लोगों का मामूल बन चुका है वो क्या करते हैं क्या कहते हैं कि तुम एक दिन भाई एक दिन रोजा रख लो एक रात जग लो तुम्हारे पूरे गुना माफ एक दिन खाली एक रात में तुम क्या करो उम्र खजा कर लो उम्र खजा करते उम्र खजा कर लो तुम्हारी पूरी साल भर की नमाजें भी आ, मुकम्मल हो जाएगी और तुमको कुछ भी गुना नहीं होगा पूरे गुना तुम्हारे माफ हो जाएंगे यही है ना यही कहते हैं लोग और आखे मिठा बना के रखो उनके वास्ते जो ये बोल रहे फिर उनकी लंबी दाढ़ी है उन तो पहने हुए है ऊपर से खिमार बने हुए हैं उनके तमाम क्या एक नेक शख्स के, लेकिन अल्लाह हदायत दे ऐसे लोगों को भी किसी की मजम्मत में नहीं कर रही हूं लेकिन ये पेड़ भर ये जिसे उलमासू उमायसू कहा जाता है इन लोगों ने आज के मुसलमान तिबके को तबाह करके रख दिया है अपनी पेट के खातिर याद रखिए ये तमाम वो ये तमाम बिदात और का बुनियादी अमल खाना है खाना खाना खिलाना जगो मिठाइयां रख दो खाने साल ने पका के रखो उन्हों आके फातिहा देते उस पर फूकते खाते जाते ये एक हो गई रजब में खीर पूरी खाते उसमें बिदात में भी खाना और उसके बाद कोई इंसान मरा हुआ है तब भी खाना और जो कोई खाना नहीं खिलाता तो अरे नाथ इसने है इनके घर में कुछ भी बला आ जाती इंसान डर के मर के वो काम करने करना क्योंकि लोगों के पास दीन नहीं है लोगों ने इल्म हासिल ही नहीं किया जिंदगी के मकसद को लोगों ने समझा ही नहीं इसलिए ऐसे लोगों ने उन लोगों का फायदा उठा लिया और दीन में ये नए नए काम ईजाद कर लिए दीन समझ कर लोग इसे कर रहे हैं हर एक इनकी हर विदायत का ताल्लुक खाने से होता है याद रखें फिर कोई इंसान का इंतकाल हुआ तब भी खाना दूसरे दिन खाना तीसरे दिन फिर जियारत का खाना फिर दसवां खाना उसमें भी आते फातिया देते फिर खाते चालीसवें में वे खाना सेमाई शशमाई फिर सालाना खाना फिर उसके बाद और एक कोई भी मरता फिर उसका फिर शुरू होता इसीलिए इनकी तमाम विधा और खुराफा का बुनियादी मकसद खाना और पैसा जो सूरतों की तिलावत तक नहीं आती अल्लाह अल्लाह अहद, अल्ला अल्ला बस अल्लाह अकबर कहूंगी मैं सूरत फातिहा की तिलावत उनको सही मुकम्मल तौर पर नहीं आती आज दरगाहों पे वो मुल्ला, वो मुर्शद बैठे हुए हैं जिन्हें फातिहा की तिलावत भी नहीं आती पता ही नहीं पता नहीं लोग अल्लाह ताला को किस मुंह से जवाब देंगे जिन्होंने लोगों को इस तरह गुमराह करके रख दिया एक बहुत बड़े तबके को मुसलमान तबके को अल्लाह अल्लाह के नब अल्लाह अल्लाह ताला माफ करे ऐसे लोगों को जिन्होंने अल्लाह के रास्ते से गुमराह करके रख दिया लोगों जी अगर लोगों ने गुमराह भी किया तो हमारा फरीजा है हम एक मुसलमान खुदा परस्त अल्लाह परस्त, परस्त, परस्त होने के नाते हम पर यह फर्ज उइन है कि हम इल्म हासिल करें उस चीज के बारे में जो आप अमल कर रहे हैं जिसे आप दीन समझकर इस्लाम समझकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हुए इस चीज को जिस चीज पर आप अमल पैरा हो रहे उसकी तहकीक करना मेरे और आप पर लाजिम करार दिया गया है क्यों क्योंकि खबर में जब तीन सवाल हो जाएंगे उस वक्त आएगा फरिश्ता हमसे सवाल करेगा क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया क्या अल्लाह ताला की शरीयत नहीं आई तुम्हारे पास जब हम ये नहीं कह सकते कि हमको मालूम नहीं था लोगों ने हमको गुमराह कर दिया नहीं ला अदरी हम अर्गिज नहीं कर सकते अगर हम यह कहेंगे कि ला अदरी मैं नहीं जानता था मुझे नहीं मालूम था तो फरिश्ते कहेंगे क्या अल्लाह ने तुम्हें अकलो फहम से नहीं नवाजा था अल्लाह ने तुम्हें अकल नहीं दी थी या तुम अकल से काम नहीं रखते थे कहेंगे जरूर रखते थे फिर तुमने दीन के काम में अपने अकल क्यों इस्तेमाल नहीं की तुम पागल तो नहीं थे ना तुम्हारा दिमाग तो था क्या इतनी सी बात समझ नहीं आई क्या जवाब देंगे रब्बुल इज्जत को उस वक्त फरिश्तों के सामने कोई जवाब हमारे मुंह से नहीं निकल सकेगा क्योंकि यह गुना है सबको पता है लड़खड़ा जाएगा वो शख्स जो बिदातों को ऐजाद करता है उसे सामने ठहर कर बात करने की हिम्मत नहीं होती सिर्फ ये कहकर निकल जाते हैं ये पकोड़े हैं अल्लाह हमें महफूज रखे इन तमाम चीजों से पंद्रहवीं शाबान में बहुत सी बातें मारूफ है जिसे हम जानते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है सिवाय इसके के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रखते थे और दूसरों को भी इसकी तलखीन फरमाते थे और वो भी इस्तकबाल रमजान के लिए माय शाबान के पंद्रह तारीख को कुछ वायजीन और सूफी हजरत बहुत अहमियत देते हैं और उसकी फ़ज़ीलत में बहुत सी मनगढ़ बातें बयान करते हैं मसलन अल्लाह के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसके नीचे पत्ते हैं पत्ते पर हर इंसान का नाम लिखा हुआ है पंद्रह शाबान से लेकर एक साल तक जिन्होंने मरना होता है उनके पत्ते झड़ जाते हैं और जिन्होंने पैदा होना होता है उनके पत्ते उग जाते हैं फिर उस दिन और रात को खसूसी नमाज वज़ायफ वजीफे और कई तरह की इबादात करते हैं सॉरी वो गलती से डिक्लाइन हो गया हाँ बिस्मिल्ला तो पंद्रवी शाह क्या कह रहे थे कि पंद्रहवीं शाबान को क्या करते हैं लोग खसूसी नमाज वजायफ और कई बिदात करते हैं और उनकी तरवीज में दिल और जान से मसरूफ हो जाते हैं हालांकि उनका सरे से कोई वजूद ही नहीं और ना ही उनका इस्लाम से कुछ ताल्लुक है इस्लाम से कुछ ताल्लुक नहीं है पहली चीज जो लोग करते हैं वो है कहते हैं सूफी हजरात वो है मगफिरत का दिन जो कि सही दिन आशा रज से मरवी है वो बयान करती है फकत, एक बड़ी हदीस है एक रात मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस, बिस्तर से गायब पाया मैंने तलाश किया तो आप लगर, गर्कत में थे आपसे फरमाया क्या तुम्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुलम करेंगे मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ये गुमान था कि आप किसी दूसरे अहलिया के यहाँ चले गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिला शुबा अल्लाह तला पंद्रह की रात को आसमानी दुनिया की तरफ नजूल फरमाते हैं और बने नौकल्ब की बकरियों के बालों की मकदार उसकी मकदार के बराबर क्या करते हैं लोगों को बख्श देते हैं इसकी तखरीज व देखिए तिरमीजी असम बाब माजा, शाबान इबन माजा में इसकी रिवायत है ये हुआ के ये रिवायत संदन, सनद के, से है। इस रिवायत के तीन शवाह मौजूद है जबकि वो तमाम मुनकर और मरदूद है तीन है लेकिन वो तमाम क्या है मुनकर और है। आप सल्लम का बाकी खबरस्तान में खबरस्तान जाने के सिलसिले में हजरत ऐशा रजी की एक सही हदीस भी मरवी है लेकिन उनमें पन... लेकिन उसमें उस हदीस में, में पंद्रह शाबान का तस्करा नहीं है तो ये इसमें ना देखिए हदीस को मालूम करने के लिए उसके बहुत से उसूल और जवाबित होते हैं सही हदीस सन गलत है या फिर सनद उसकी झूठी है या फिर कभी हो सकता है मतन उसका झूठा हो सकता है तो मतन के लिहाज से सनद के लिहाज से हदीसों का जानना मेरे और आपके लिए जरूरी है अगर हम नहीं जानते तो किसी बड़े औरलमा से हम इस चीज को मालूम कर सकते हैं उसूल हदीस जानना हदीस को पहचानना उसका वसूल जानना जरूरी है ताकि हम हदीसों को समझ सके और ताकि हम ये समझ सके ये सही है या मंदर हदीस में एक लंबी चेन होती है जो सनत कहलाती है सनत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक यानी हम तक पहुंचने के लिए बीच बीच में किन किन लोगों का हॉल हुआ जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई और साहबी सुने वो सहाबी से कोई और सहाबी सुने फिर वो सहाबी से कोई ताबाई सुने उसके बाद कोई तब सुने उसके बाद मुहादिस्स सुने उसके बाद इसी तरह एक चेन होती है लंबी उसको सनद कहा जाता है और उस सनद में हर वो चीज को देखा जाता है जो इंसान की खबाहत के लिए काफी हो जाए यानी वो इंसान झूठा नहीं होना चाहिए वो इंसान कभी नमाजों को नहीं छोड़ता हो कभी झूठ नहीं बोलता हो और कभी ारी नहीं करता हो यानी उसकी जिंदगी उसकी तमाम उसका तमाम लाइफ स्टाइल को देखा जाता है और अगर उसके अंदर एक भी ऐसी खबाहत मौजूद हो तो उस हदीस को रद्द कर दिया जाता है जिसे यानी हदीस की बहुत सारी किस्में हैं मगर आपके सामने कही आ, कहती जाऊं तो पूरा दिन भी काफी नहीं होगा तो लिहाजा इसको सनत कहते हैं और अगर सनत गलत निकली तो सनत सही नहीं निकली जाइफ है कमज़ोर है, तो उसमें या फिर वो चेन में से जैसे न, भी मैं कह रही हूँ मेरे से कोई और उससे कोई और बीच में कोई एक इंसान कट भी जाए अगर वान अभी हूरे रहता वाहन अभी मुंह आशा वाहन इस तरह यानी अब जैसे वाहन वाहन कहते हुए हम जाते हैं तो बीच में चेन में से कोई एक कट जाए बल्कि फिर थर्ड पर्सन से वो बात मालूम हो तो वो भी कमजोर हदीस कहलाती है अगर मुनकता यानी उसे मुनकता हदीस मुनकता कहा जाता है जो कटी हुई यानी जिसकी चेन कटी सनत कटी हुई हो तो इस तरह हदीस की बहुत ज्यादा किस्म है तो उसको मालूम करते हुए हमें उस पर अमल करना चाहिए जो कमजोर ना हो जो कवी हो कवी हो उस हदीस को हम लेंगे वो बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल आवाज आ रही है मेरी आ रही मैं जी अलहमदुल्ला जी जी, जी. हाँ, तो उस हदीस को क्या कहते हैं जो हदीस कवी हो वो आ, अमल करने के काबिल है बाकी तमाम हदीस को हम रद्द कर देंगे और दूसरी चीज जो इस रात के मुतालिक सूफी कहते हैं वो है मुशरिक की बख्शिश नहीं होती इस रात में सही मूसा मरी से मरवी है देखिए बिलाशुबा अल्लाह ताला पंद्रह शाबान की रात मतलब वो लोग जो चीज को लेते हैं मैंने वो भी नोट किया कि वो लोग क्या हदीसें लेते हैं और उसकी तकवीत कहाँ तक है किन अहदीस को वो लोग लेते हैं और उसकी कहाँ तक है वो किस दर्जे तक अमल के लायक है किस दर्जे तक वो ज़िफ़ है कितनी कमजोर है वो भी मैं आपके सामने यानी नोट की हूँ देखिये मुश्र की बख्शिश नहीं होती उस रात में पहला तो क्या था अः के उस रात में तमाम लोगों की अल्लाह करते हैं मकफिरत की दिन या फिर मकफिरत का रात कहा और दूसरी चीज मुशरक़ की बख्शिश नहीं होती उसमें तो इसमें मूसा मुसाशारी को वो रावी लेते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिलाशुबा अल्लाह ताला तंद्रहवीं रात अहले अर्ज के तरफ रहमत फरमाते हैं मुशरक और दुश्मनी रखने वाले के अलावा तमाम मखलूक को बख्श देते हैं ठीक है तो इसकी देखिए व तकी इसकी तहकी क्या है कि ये भी इब्ने माजा से अकाम सलाह बाब अकाजा फिलान इसी में है जो पीछे बाब में थी और दूसरी अः राशद बिन साद बिन राशद रमली हदसना वलीद अन अबी लही अनजहाक ابن अच्छा अबू मूसा तो दूसरी सनद जो है उसमें जो दूसरी सनद बयान की इस सनद में अब्दुर्रहमान बिन अरजब जो सनद में आ रहा अब्दुर्रहमान बिन अरजब जो है वो मजहूल रावी है यानी झूठा है इसलिए इसको अतरगीब कहा जाता है फिर नेजिस सनद में जुबेर बिन सलीम जो है वो भी मजहूल है इसीलिए इसको हदीस कहा जाता है फिर अलावाजी वलीद बिन मुस्लिम मुदलस और जहाक बिन एमन ये भी मजहूल है ये लोग तमाम मजहूल है इस वजह से इस हदीस की कोई तकवीत नहीं है कोई इसकी सनद कमजोर है इस वजह से इसको अमल में नहीं ला सकते तीसरी चीज रिस्क की तकसीम इस रात को होती है इसमें से सैदना अली रजी से मरवी यानी वो लोग कहते हैं हदीस को के जब पंद्रह शाबान की रात हो तो उस रात का ख़याम करो और उस दिन का रोज़ा रखो बिला शुभ अल्लाह तरात आफ्ताब के बाद आसमानी दुनिया पर नजुल फरमाते हैं और अलावा फरमा इसका ऐलान फरमाते हैं कि खबरदार कौन मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसे बख्श दूं कौन रिस्क तलब करने वाला है कि मैं उसे रिस्क दे दूं कौन आजमाइश व मुसीबत में मुबतला है मैं उसे आफियत दे दूं खबरदार फला फला कौन है हत्ता के फजर तुलू हो जाती है ये पूरी एक हदीस वो लोग बयान करते हैं इसकी भी देखिए सनद उसी आ, बाब से है जो इब्न माजा का मैंने बताया खामत सला बाब माजा फिलतन शाबान उसी से है आ, और इसको उसी में यानी उसके नीचे जो सतर लिखी हुई होती है उसी में उन्होंने कहा कि सगे। यानि ये पूरी ज़ाइफ है तमाम की तमाम वल इसमें क्या कमजोरी बहुत है इस तरह उन्होंने कहा और इस रिवायत में अबू बकर बिन अबी सब्राह रावी जो है वो कजाब है यानी झूठा है इमाम अहमद बिन हमल हम्बल और इब्ने माइन फरमाते हैं कि ये वजा था शेख अलबानी यानी ये ये हदीस अमल के लायक नहीं है और शेख अलबानी ने इस रिवायत को सख्त ज़ायफ और मोजो करार दिया है हो गई यहाँ तक बात फिर चौथा आमाल के उठाए जाने का दिन आमाल के उठाए जाने का दिन और इसको भी हजरत आयशा रजील की तरफ मंसूब करते रावी हदीस आयशा को कहते क्या तुम जानती हो कि क्या मतलब हजरत आयशा बयान कर दिए कि नबी करीम ने फरमाया क्या तुम जानती हो ये यानी शाबान पंद्रह शाबान की रात कौन सी रात है आयशा ने अर्ज किया बारे में लिखा जाता है उसमें बनी आदम के उस साल फौत होने वाले इंसान के मुताल लिखा जाता है उसमें उनके अमाल अल्लाह ताला की तरफ उठाए जाते हैं और उसमें उनका रिस्क नाजिल किया जाता है ये हदीस मन धड़क है उन्होंने अपनी तरफ से हिजाद कर ली इसकी तखरीज मिशकात लिलबानी वल हिदायतुर रवाह और वल वलामिल कुर इमाम इसकी मतलब सन इसकी रेफरेंस वो लोग देते हैं तो इसमें देखिए रहा रहा रहा। तो इसमें देखिए शेख अलबानी रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गालिब गुमान है कि ये रिवायत ज़ाइफ़ है अलावाजी अलावाजी अबू हारिस रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी सनद ज़ाइफ़ है और सनद में नजर बिन कसीर अब्दी रावी ज़ाइफ़ है ठीक है तो इस हदीस का भी हमको कोई सबूत नहीं मिलता ये रावी से है फिर इस पर कीना और कीना कीना रखने वाला शख्स और खातिल की माफी नहीं होती ये भी बोलते कीना रखने वाला शख्स और कातिल कत्ल करने वाले शख्स की माफी नहीं होती इसकी भी हदीस वो लोग बयान करते लेकिन इसकी भी सनद जाइफ है और मंदड़क है मोमिनों की बख्शिश का दिन कहते हैं इसकी भी सनद ज़ाइफ है और इसके अलावा मुशरक़ की माफी नहीं होती ये भी सनद जाइफ है निस्फ शाबान की रात दुआ की कबूलियत इसकी भी सनद ज़िफ है एक नमाज पढ़ते हैं जिसे सलातुल बरात या सलातुल अलफिया कहता कहा जाता है और इसको नबी सल्लम की तरफ मंसूब किया जाता है मंसूल लम्याता रकायतीन लायलतन नुस्फी मिनशाबन خدا الله له كل حاجة जिसने निसफ शाबान की रात मियात मियात यानी सौ रकात नमाज पढ़ी अल्लाह ताला उसके हर हाजत पूरी कर देगा ये भी हदीस मंदड़क और जाइफ कमजोर सनत की है इबनि वही फरमाते हैं नमाज बारात के बारे में जितनी भी रिवायत है सब मौजू है मौजू यानी मंदड़क अपने से लगा लिए और उनमें से एक मुन मकतू है जो शख्स ऐसी रवायात पर अमल करता है जिसका झूठा होना साबित हो जाए जिसका झूठा होना साबित हो गया हो चुका है ना वो शैतान के कदमों में है और शैतान के गुलामों में शामिल हुआ होगा हाफिज इबन कयम रम फरमाते हैं कि पंद्रह शाबान की रात में खास नमाज वाली रिवायत में से कुछ भी साबित नहीं है ये क्या है पूरे मौजू है तकदीर लिखने का दिन हजरत मुगैरा बिन अखनस से मरवी है ये यानी इस रात शाबान से शाबान तक लोगों की उम्र लिखी जाती हैं यहाँ तक कि जो मैंने कहा अलावाजी फला फला वगैरह वगैरह तो ये रिवायत भी मुसल है उसे कर्न के मुकाबले में पेश नहीं किया जा सकता निसफ शाबान का रोजा रखना इसके रावी सैदिन अली को बनाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करते हैं इस हदीस को लेकिन यह हदीस भी सही साबित नहीं है अलबत्त माह शाबान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजे रखते थे अगर कोई शख्स उस नीयत से रोजे रखता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीना तेरह चौदह पंद्रह का भी रोजा रखते थे उस लिहाज से भी अगर कोई शख्स रख रहा है तो उसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है लेकिन शाबान के रोजे की फजीलत से अगर रख रहा है तो वो सही नहीं है इन अमल अमल बिनियात अमल का हर अमल का दारदार नीयत पर होगा अल्लाह ताला आपकी नीयत के मुताबिक आपके अमल को कबूल करता है तो इस तरह निसफ शाबान को अल्लाह ताला का आसमानी पर नजूल होना आवाज आ रही मेरी हाँ तो निसफ शाबान का अल्लाह ताला का आसमानी दुनिया पर नजूल होना ये भी साबित नहीं है तमाम मखलूक की माफी ये भी नहीं है शबारात शब में हलवा और चिरागा अवामनास में ये बात आम है हाँ लोगों में ये बात आम कर दी गई है कि शाबान की पंद्रह तारीख को सैयदना अमीर हमजा शहीद हुए थे और उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम غزوه ओहद में दंदा ने मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदा ने मुबारक शहीद हुए थे तो आप सल्लम ने हलवा तनावल फरमाया था इसलिए तमाम लोग उस रात खुसूसी तौर पर हलवे का इंतजाम कर ये बात बिल्कुल सही है कि नबी करीम का दंदाना मुबारक यानी शहीद हुआ था लेकिन बिल्तफाक है कि उहद छे शवाल को हुई थी शाबान में नहीं हुई थी यही पर समझ सकते हैं कि कितनी झूठे बात कितनी झूठी बातें ये लोग मन अपनी तरफ से लगाते हैं इसका सही सबूत हमें सीरत से मिलता है उसमें देखिए गजवा

आतिशबाजी वगैरह सब बिदात में है अजीब कहानी एक राज एक ये है कि अहले तशी का उसूल तीसरे इमाम हुसैन के सिवा हर इमाम को इमाम साबिक की औलाद से होना जरूरी है <स्थाथ> हाँ ये एक कहानी है जो मैं आपके सामने रखना जरूरी नहीं समझती बल्कि हमको ये बात समझ में आ जाए कि ये तमाम चीजें सुनना से साबित नहीं है अल्लाह ताला ने ना कभी इसको शरीयत में रखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी जिंदगी में किया देखिए जो काम कर सक थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किए ठीक है जो जो काम कर सकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किए तो हम भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बिदअत होगी क्योंकि वो था ही नहीं ठीक है अब जैसे अब लोग कहेंगे अल्लाह माफ करे उस अहमद नक्शबंदी को इस कदर लोगों को गुमराह करके रखा है नाउजिल्लाक अल्लाह हिफाजत करे हम तमाम की उस बदब्त से वो हर छोटी चीज को जब हम कहते हैं कि ये सुन्नत नहीं है या फिर हम कहते हैं ये सही नहीं है इसका सबूत कुरान से बताओ तो वो कहता है तुम फ्यान में रह रहे हो तो फिर फ्यान का सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बताओ इस तरह कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से फ्यान का सबूत बताओ नउजिल्ला अल्लाह मुआफ करे अल्लाह के ने क्या फरमाया जिसने मेरी शरीयत में कोई नई चीज को ईजाद किया तो वो भी दात है अल्लाह के वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम दुनियावी मामलात में अगर कोई चीज ईजाद की तो वो भी दात है ठीक है देखिए अगर उस वक्त ऐसी होती तो अल्लाह के वसल्लम इसी में बैठा करते अगर उस वक्त मैक होता तो नबी सल्लल्लाहु वसल्लम माइक में बात किया करते अगर उस वक्त ये सहूलियत होती तो उस सहूलत को इस्तेमाल करते लेकिन शाबान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में साठ मरतबा आया लेकिन कभी शाबान की उस रात या पंद्रहवी रात को अल्लाह के वसल्लम ने न जागा न जागने का हुक्म दिया न इबादत का हुक्म दिया ना सौरकात नमाज पढ़ी ना कुछ न क्या जो हम करते हैं ये आया बावजूद उसके के वो महीना बार बार अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आया आने के बावजूद जो नहीं किए बात सिंपल है समझने की कोशिश कीजिए जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते थे फिर भी ना किए तो वो बिदा थे तो जब था ही नहीं तो इस्तेमाल कैसे करेंगे और वैसे भी इसका ताल्लुक दीन से है ही नहीं लोगों को गुमराह करने के लिए वो क्या क्या कर रहा है अहमद नक्शबंदी जिसे कहा जाता है अल्लाह महफूज रखे और इसमें मुर्दों की आमद भी कहा जाता है जो कि बिल्कुल मंदड़क बात है कोई बात ही नहीं है रूहों की आमद जिसे कहा जाता है ये इस दौर में दीन से दूर जो तिबके हैं ना दीन से दूर जो तिबके हैं उन लोगों ने क्या किया उन लोगों का ख्याल है कि हर जुमेरात और हर बारात को रूहों की आमद होती है हालांकि मुर्दे बरसकी जिंदगी से वाबस्ता है उनका आलम दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है क्यों अल्लाह ताला ने क्या फरमाया वो बरजून इलायसून मुर्दों को और उनके पीछे एक पर्दा है जो क्या तक रहेगा जिसे बरजक़ कहा जाता है जिसे बरजह कहा जाता है ठीक है और कद्र में भी अल्लाह ताला कहता है व फिया मिन कुल्ली अम्र से बाज लोग रूहों का उतरना मुराद लेते हैं ये जो आयत है ना उससे मुराद लो, लोग रूहों का उतरना मुराद लेते हैं उससे मुराद रूह का माना जब है जैसा कि कुरान में कई एक मुकाम कई एक मुकामात पर उसकी सराहत भी मौजूद है उसको सारी अंदाज में अल्लाह ताला ने बता भी दिया

तो यहाँ पर रूह का मतलब जी ब्रिल्सलाम है लेकिन वो लोग यहां पर अः तनाज का, का मतलब किस से लेते हैं रूहों के उतरने से लेते हैं लेकिन कोई रूह नहीं उतरती अगर कोई उससे रूहों की आमद का दावा करता है तो वो तहरीफ कुरान का मरतखब हो चुका होगा तो उसको जल्दी तोबा कर लेनी चाहिए और उससे पहले के तोबा का दरवाजा बंद हो जाए इस रात खास तौर तो पर अः फुखरा के लिए अनवासाम के खाने तकसीम करना गरीबों में खाने बांटते हैं इस बारे में कोई हदीस मरवी नहीं है ना मरफू ना ना सही और ना ही जाइफ जाइफ हदीस भी नहीं मिलती इसमें और ये एतकाद रखना कि इस रात मुर्दों की रूहें हाजिर होती हैं और उनकी तकरीम के लिए घरों को साफ करना और दीवारों को कब्रस्तानों को जरूरत से ज्यादा चिरागों और खंदीलों को रोशन करना तमाम इदाद गुमराही के कामों में से है इस फाबान की रात और उसकी फजीलत के बारे में कोई हदीस भी काबिल एतम नहीं है ना ही उस रात मौत के फैसले की कोई हदीस आपको मिलती है लिहाजा आप उन नाकबिल एतम रिवायात की तरफ जरा भी इल्तफात ना करें अपने आप को इन तमाम चीजों से बचाए रखें और ये तमाम मन मनखड़क बातों से अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज रखे बदाअत व खुराफात से महफूज रखे क्योंकि कुल मुहद्दसतुन बिदअ व कुल बिदअतुन धलाला व कुल धलालातुन منها في النار क्या फरमाया अल्लाह के नबीम ने कहा, दीन में हर नया काम हर इजाद किया हुआ काम बिदात है और बिदात हर बिदात गुमराई हर गुमराई जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है और आनस रजी से यहाँ यानी कहीं भी आ, कोई बिदात जारी करेगा उस पर अल्लाह की फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है लोग अपनी समझ के मुताबिक एक काम शुरू करते हैं और फिर उसे बतौर इबादत और सवाब समझकर उसकी क्या बोलते तरवीज कर देते हैं उसको फैला देते हैं शुरू कर देते हैं हालांकि सवाब वाला अमल वही है जिसकी वसल्लम ने तस्दीक फरमाई उसको अल्लाह के वसल्लम ने किया और उसको करने का हुक्म दिया अल्लाह तला का फरमान भी यही है कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो खसारे में हैं और उनकी दुनियावी जिंदगी के तमाम तरकाम बेकार हैं हालांकि उनका ख्याल है कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अल्लाह का ये फरमान है सूरह का हफ में आय वन नाट थ्री और वन नाट फोर में अल्लाह फरमाता है क्या कितने ही ऐसे लोग है जो समझते हैं खसारे में है और उनकी दुनियावी जिंदगी के तमाम तरकाम बेकार है हालांकि उनका ख्याल है कि ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ऐसे लोगों का शुमार इन्हीं लोगों में होगा अल्लाह हमको महफूज रखे अल्लाह तम को सुन, सब सबको हम सबको सुन्नत की पैरवी करने वाला और बिदात से बचने वाला बनाए और हमें दे कि हम इन तमाम चीजों से खुद भी बचे अपने घर वालों को बचाए और तमाम बिदात खुराफात से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और जब हमारा खात्मा हो तो दीन इस्लाम पर हो और अब जब हटाए जाए तो हमारा आखिरी कलमा चल में अल्लाह हमारी हम सबकी मकफिरत फरमाए अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए जिसको समझ कर जिस दीन पर चल कर हम जन्नत को हासिल कर सकें इनशा हमारा मकसद देखिए दुनिया में जीने का मकसद हमारा क्या है कि हम जन्नत को पाले जन्नत को पाने के लिए इतना इंसान ये तमाम चीजें कर रहा जैसे अब कुछ भी तो खुराफात लोग कह रहे हैं हम उसको करते जा रहे हैं लेकिन थोड़ा हम सोच ले कि ये सही है या फिर गलत तो हम खुद अपने आप को सवार लेंगे हम खुद अपने आप को सवार लेंगे हम इतने अमाल कर रहे हैं पैसा भी खर्च कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ये चीजें अल्लाह के यहाँ सर्टिफाइड है नहीं अल्लाह तो अल्ला इसको कबूल नहीं करता तो फायदा क्या है हम ये तमाम चीजें करने का तो लिहाजा हम अपने आप में झांके हम अपने आप को अः सुधारें हम अपने आप की इसलाह करें हम हर चीज को जो हम दीन में ले रहे हैं हम हर उस चीज को यानी समझ कर लें सोच समझ कर हम उसका फैसला करें कि ये चीज हमारे दीन में है या नहीं अगर है अल्लाह के नबीम से साबित है तो ले वरना ना ले बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम इख्तिला चीजों से बचाए इन तमाम अंधड़क चीजों से बचाए इन तमाम बिदातों से बचाए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तम को क्यामत के दिन नबी सल्ला वसलम के हाथ से जाम कौस पिना नसीब फरमाए امين يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كيسي کا کوئی ہے تو پوچھ سکتے اور سسٹم मुबीन मोहम्मद आप होस्ट हैं रिकॉर्डिंग क्लोज तो भी कर दें या फिर मुझे होस्ट बना दें मुबीन मोहम्मद गलती से हम लिफ्ट हो गए थे तो आप होस्ट बनके कुछ सवाल है किसी का आज के दर्श के ताल्लुक से तो कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी बाजी तस्बीह नमाज का कोई वजूद ही नहीं है क्या बाजी सलात उत कह रहे हैं हाँ, जी बाजी जी जी देखिए इसमें ना इख्तिलाफ है बहुत से लोग तो इसको हसन गरीब कहते हैं हसन गरीब जो होती है ना हदीस उस पर अमल ना किया जाए तो बेहतर है लेकिन कुछ उलमा एक दो तीन जो असलाफ से हैं, उन्होंने पढ़ने में कोई हर्ज भी नहीं बताया लिहाजा मैं मतलब ये भी नहीं कहूँगी कि पढ़ो ये भी नहीं कहूँगी कि ना पढ़ो बस अल्लाह आलमी जी 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 क्या ये, ये हम से शेयर कर सकते हैं जी जी बिल्कुल कर सकते हैं इन ठी बाजी क्योंकि हमारा काम दीन की बात लोगों तक पहुंचाना है आ, बस लोग उससे फायदा उठा ले इंशाल्लाह जैसे करना खैर बाजी अमीन भैया की और किसी का कुछ सवाल है जी सिस्टर तो मुबीन मोहम्मद आप होस्ट हैं मुझे होस्ट बना दें या फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें बस या मैम एंड ऑफ द मीटिंग करे तो भी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा ना नहीं होगा लंबा चलेगा इस वजह से मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में तो मेरा भी चला गया उनको शायद वो मतलब सुन रहे नहीं है पर हाल मुझे कॉल आ रहे थे इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया मेरा भी सर जो भी है चलो देख लेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा लेकिन फिर भी नहीं, लिए तो, लिए तो जो लास्ट में बनेगा, वो कर सकते जी 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 सिस्टर मुबीन मोहम्मद आप मतलब लिफ्ट तो भी हो जाएंगे कोई और बन जाएंगे इनशालास्टर मुबीन मोहम्मद आप लिफ्ट हो जाएंगे